मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण ने अपना सातवां बजट पेश किया। इस बजट को पेश करने के साथ ही कुछ सस्ता हुआ, कुछ महंगा हुआ, किसी पर आफत आई तो किसी को राहत मिली। लेकिन इस बजट पर सियासत भी जमकर हुई। सियासत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इन तमाम बड़े नेताओं ने निशाना साधा है निर्मला सीतारमण के इस बजट पर, ये कहते हुए कि ये बजट कुर्सी बचाओ, सरकार बचाओ और नकलची बजट है। अब इस बजट को लेकर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है और किस तरीके से ये बात कही जा रही है कि निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के पुराने बजट से कुछ चीजें उठाई हैं, साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो से भी कुछ चीजें इस बजट में शामिल की गई हैं, क्या कुछ बात आ रही है सामने, किस तरीके की बयानबाजी हो रही है और क्या कुछ राजनीति है इस बजट के पीछे, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मंगलवार को बजट पेश करने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाओ, सरकार बचाओ और नकलची बजट है, यानी कि कहा जा रहा है कि सरकार ने अपना ये बजट अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस बजट पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मोदी सरकार का ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है, जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए, खासतौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहां पर आंध्र प्रदेश के टीडीपी और बिहार की जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि उनके लिए दूसरे राज्यों से, यानी कि जो दूसरे विपक्षी सरकार के जो राज्य हैं उनके साथ भेदभाव किया गया। साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि अपने मित्रों को खुश किया गया है इस बजट के जरिए, डबल ए को फायदा दिलाया गया है लेकिन आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी गई है। राहुल गांधी यहाँ पर डबल ए का जिक्र कर कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी की बात इशारों में कह रहे हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगाया कि इस बजट में कांग्रेस के घोषणा पत्र और कांग्रेस के पुराने बजट से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही निशाना इस बजट पर साधा और उन्होंने कहा कि ये बजट नकलची बजट है और बीजेपी कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरीके से लागू अपने बजट के अंदर नहीं कर पाई, यानी उसको शामिल अपने बजट में नहीं कर पाई। खड़गे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर 10 पॉइंटर्स में अपनी बात रखी है। इस बजट पर इसी पॉइंटर्स के साथ उन्होंने निशाना साधा है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसी ही बात इस बजट को लेकर कही और उन्होंने ये कहा कि ये बजट बेसिकली सरकार बचाने के लिए पेश किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए ही बड़े दावे किए गए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और नौजवानों के साथ पूरे देश की अनदेखी की है। उन्होंने ये भी कहा कि देश का नौजवान आधी अधूरी नहीं बल्कि पक्की नौकरी चाहता है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ये सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसानों के लिए भी कुछ बड़े फैसले हैं? सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है, 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? वहीं शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस बजट पर निशाना साधा और उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि इस बजट में महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि महाराष्ट्र एक तरीके से केंद्र सरकार को पैसा देने के लिए दुधारू गाय की तरह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी घोषणा इस बजट में नहीं की गई। आई थिंक दिस बजट शुड बी कॉल्ड प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट दिस गवर्नमेंट, इफ इट हैज टू बी सेव फॉर द नेक्स्ट 5 years, दे वुड नीड देयर अलायंस पार्टनर्स एंड दीज अलायंस पार्टनर्स नीड टू बी केप्ट हैप्पी।
two states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the center. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give in money for its infrastructure needs and its development. आपको बता दें, विपक्षी नेता लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने अपने इस बजट में कई चीजें कांग्रेस के पुराने बजट से ली हैं और कई चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चुराई हैं। तो ऐसा ही बयान पी चिदंबरम ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया। पी चिदंबरम ने ये कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि निर्मला सीतारमण को लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ने का समय मिला। तो जैसा कि हमने बताया, बजट तो सामने आ चुका है, इसमें कई बड़े दावे और कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन इस बजट के साथ ही विपक्षी नेता भी एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आपके हिसाब से इस बजट को लेकर क्या आपकी राय है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।